मौजूद हैं हम लोग यहाँ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का जो है वो आज प्रदर्शन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज भैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का जो ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि देश में जिस तरह से तानाशाही हो रहा है, आपने देखा कि हेमंत सोरेन के मामले में कोर्ट ने क्या कहा कि ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केजरीवाल जी के मामले में लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी उनको बेल दे दिया है, ये कहते हुए कि केस पूरा तरह से बोगस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और किस तरीके से फिर सीबीआई को घुसा करके ज़बरदस्ती किसी को जेल में रखने की कोशिश है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है, किस तरीके से देखिए कि कम से कम जो है सो 50 से नीचे उनका शुगर लेवल 8 से 10 बार जा चुका है और जानलेवा है डॉक्टर्स का कहना है, तो किस तरीके से पूरी भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के जान के पीछे पड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि देश में एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जिससे ये लोग डरते हैं, उससे घबराते हैं, उससे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं, उसके मॉडल ऑफ गवर्नेंस से ये लोग घबराते हैं, कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनको ज़बरदस्ती रखने की कोशिश है। आज पूरी इंडिया गठबंधन इसके प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रही है, तो यही हम लोग का प्रोटेस्ट है। एक सवाल ये है भैया, जब बीजेपी कहती है कि चूंकि जमानत तो कोर्ट से नहीं मिल रही है, तो उसमें बीजेपी की क्या भूमिका है? तो जमानत तो मिली थी कोर्ट से, है ना, तो जबरदस्ती लीगल पचड़ों में फंसा करके आप किसी को रोकना चाह रहे हो, तो जमानत तो मिली थी, तो ईडी के बाद सीबीआई का है घुसा दिए, ईडी के केस में भी जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, फिर क्यों घुसा दिया ईडी सीबीआई को? अब सीबीआई के बाद पुलिस घुसा दोगे, फिर किसी और को घुसा दोगे, चलो जेल से ही अरेस्ट हो रहा है, तो ये तो खेल सबको समझ में आ रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से ऋतुराज जी ने बताया कि ये एक जो है चक्र है, जैसे ईडी से जमानत मिलती है तो सीबीआई को घुसा दिया जाता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप है। अब इस मामले में क्या कुछ होता है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन विदेश के साथ रंजन अभिषेक, नई दिल्ली।